नेशन लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। मीडिया में जवाब लीक होने पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीसी की ओर से दायर रिपोर्ट पर सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है। जवाब मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ और वक्त की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए वर्मा को सोमवार को ही जवाब देने को कहा था। महाराष्ट्र के वर्धा में सेना के हथियार डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका मंगलवार सुबह सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में हुआ, जो वर्धा के सोनेगांव अंबाजी गांव में स्थित है। हथियार डिपो में धमाका होने के कारण जान माल की भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है, इसलिए आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। पूरे इलाकों को चारों ओर से घेर लिया गया और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। सूत्रों ने बताया कि आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। धमाके की घटना पर रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने बताया कि मृतकों में कुछ प्रशिक्षित अधिकारी और कुछ अनियमित मजदूर हैं। मजदूरों को उस जगह पर बेकार विस्फोटक नष्ट होने के बाद उसे रेत की बोरी से ढकने के काम में लगाया गया था। बता दें कि हथियार डिपो का स्टाफ पुराने और बेकार विस्फोटकों को हटा रहे थे, इसी दौरान धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 72 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे तक 12.54% मतदान दर्ज किए गए हैं। इस चरण में अजीत जोगी, युद्धवीर सिंह जुदेव, रेणु जोगी, विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल और 9 मंत्रियों समेत 1079 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 46 सीटों पर मैदान में है। करोलबाग की एक फैक्ट्री में भीषण आग से 4 लोगों की मौत हो गई, इसके अलावा एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हादसे के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। मुगलसराय चंदौली क्राइम ब्रांच और मुगलसराय कोतवाल शिवानंद मिश्रा को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 4 शातिर अभियुक्तों के साथ भारी मात्रा में अवैध असलहा कारतूस सहित 68,000 नकद रुपए तथा वृद्धाकार बरामद किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर अवैध असलहों के साथ वृद्धाकार से मुगलसराय GTR वृत्त से गुजरने वाले हैं। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने नाकेबंदी कर कार को रोकना चाहा तो कार सवार गाड़ी लेकर भागने लगे, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस टीम ने उनका पीछा कर घेर लिया। पुलिस से अपने को घिरा देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर झोंकते हुए भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पता चला कि अभियुक्त हरियाणा से शराब लाकर बिहार में तस्करी का काम करते थे। पुलिस ने सभी अभियुक्तों को संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। चंदौली की स्वाट टीम और मुगलसराय टीम एक 4 लड़कों का आरोप एक ब्रेजा कार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय जिनके द्वारा काफी उत्तम गुप्ता और पुलिस के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। इनके कब्जे से नाजायज असलहे मिले हैं, एक रिवॉल्वर मिली है जो लाइसेंसी है, शेष 3 असलहे और 41 जिंदा कारतूस, 3 मिस कारतूस और 11 फुका कारतूस उनके पास से बरामद किए गए हैं। पूछताछ से और फोन की सूचना थी उसके आधार पर ये जानकारी थी कि ये ग्रुप जो है अवैध शराब की तस्करी में लिप्त है और हरियाणा से शराब को मंगाकर के चंदौली में कहीं काम करते हैं और फिर अच्छी हासिल करते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है जिसमें से एक बिहार का है, शेष 3 जिला चंदौली के रहने वाले हैं और इन सभी के पास से नाजायज से कार्रवाई की जाएगी। आरोप है सर की फर्जी फंसाया जा रहा है सर। अब ऐसा कोई आरोप फिलहाल मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया के सामने ही अपराधियों ने फैजाबाद के साहिबाबाद में एक बार फिर लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश बाइक पर आए थे और एक गैस एजेंसी के खुलते ही
कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखकर उसे तकरीबन 3 लाख रुपए की लूट कर ली। गाजियाबाद में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक इसी से कुछ दिन पहले साहिबाबाद में ही एक और लूट को 5 लुटेरों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद साहिबाबाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ राकेश कुमार का कहना है कि जल्द से जल्द लुटेरे उनके गिरफ्त में होंगे। थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक आशीष भारत गैस एजेंसी है, वहाँ कर्मचारी आज आया और अपनी एजेंसी को खोला कर गया था। उनका कहना है कि बाइक से दो लोग आए और इस बार अंदर दाखिल हुए, अवैध असलहे के बल पे उससे पूछा कि पैसा कहाँ है और उसके बाद उसको बताना पड़ा कि पैसा यहाँ है। वहाँ से कितने लाख की लूट हुई है? अभी 2,89,000 रुपए का बताया गया है उनके द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की उपस्थिति में बाराबंकी स्थित जीआईसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 175 जोड़ों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न जाति धर्म के जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंत्री रमापति शास्त्री के साथ ही भाजपा विधायक सतीश शर्मा, डीएम उदय भानु त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित लोगों ने नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम जोड़ों की भी शादी संपन्न कराई गई। कुल 175 जोड़ों में से 18 मुस्लिम जोड़ों ने भी शादी कराई गई। बिना किसी खर्च के संपन्न हुए शादी से नवविवाहितों के चेहरे तो खिल ही उठे, उनके परिजन भी काफी खुश नजर आए। भूतों का मेला, जहां पर लाखों लोग भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए एक समाधि पर पहुंचते हैं। मिर्जापुर के एक छोटे से गांव बगही में 3 दिनों के लिए लाखों लोग भूत प्रेत से मुक्ति के लिए जुटते हैं। बेचूबीर के इस मेले में मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी यूपी के लोग भाग लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर पहुंचकर बेचूबीर की समाधि के सामने बैठकर झूमने लगते हैं। समाधि के सामने बैठे हजारों लोगों में कोई झूमता हुआ दिखाई देता है तो कोई वहां पर उछल कूद करता रहता है। यहाँ पर मान्यता है कि समाधि पर पहुंचते ही प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति झूमने लगता है। चारों तरफ बैठकर झूमते और रोते बिलखते लोगों के कारण अलग ही डरावना माहौल बन जाता है। वहीं बेचूबीर बाबा के दर्शन करने आए विधायक हरिराम चेरू ने कहा कि बेचूबीर बाबा एक देव पुरुष थे, इसलिए लोग लाखों की संख्या में आते हैं। बाबा से लोगों की एक आस्था जुड़ी है। साथ ही विधायक ने इन सब घटनाओं को अंधविश्वास से परे भी बताया। पिछले साल मैं आया था, फिर इस बार भी मैं आया हूँ, दोबारा तो आपको इस मेले से क्या जानकारी, अपने क्या समझा इस मेले? मेला तो हमारे ऐतिहासिक मेला है, मेला है और यहाँ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और भगवान के रूप में इनका पूजा हो रहा है। देखिए इस इंसान का यहाँ ये मनोकामना पूरा हो रहा है, चाहे कोई भी भगवान हो वहाँ आस्था से लोग जाते हैं। आज यहाँ 4-5 लाख लोग आ रहे हैं, ये बड़ा आस्था का विषय है और बेचूबीर बाबा एक बहुत बड़े शक्तिशाली देव के रूप में मैं भी विश्वास करके यहाँ अपने बाल बच्चे क्षेत्र के लोगों के लिए हमारा क्षेत्र सुखी में रहे और मैं अपने क्षेत्र में हर तरह से विकास के जो काम है उस काम में विकास के मैंने कामना स्वीकार करा। ऐतिहासिक बेचूबीर मेले का आज दूसरा दिन है। यहाँ से पुलिस प्रमुख की तरफ से सिविल पुलिस, 4 थाना प्रभारी, शिक्षा अधिकारी यहाँ पे हैं और बाकी 4 थानों का फोर्स बनाया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और मंदिर के आसपास सीसी कैमरे से निगरानी हो रही है। ये ऐतिहासिक और अद्भुत मेला है, यहाँ पे अपनी संतान लोग अपनी संतान का मुक्ति हुई और फिर बाधा भूत बाधा से मुक्ति के लिए लोग आते हैं और चारों तरफ जो पहाड़ों में जो दर्शनार्थी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का देसही देवरिया क्षेत्र, जहां इमलिया गांव के निवासी
समाज सेवी डिंपल राव ने 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज करते हुए गांव के समीप स्थित हनुमान मंदिर में परिवार सहित बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर चुनावी दंगल में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश की और वहां के स्थानीय लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान के लिए आश्वासन भी दिया। क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके अलावा हम लोग बाहर में रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का देश में भी हमारे जो क्षेत्र में है वो विदेश की तरह बन जाए और वहीं से जो भी मतलब वहां का जो है यहां हम करना चाहते हैं उसी हिसाब से कि मतलब हमारे क्षेत्र की जनता के लिए जो भी बढ़िया काम हो। आज आपने चुनाव का आगाज किया है, क्या मतलब क्या आपका प्राथमिकता रहेगी अपने क्षेत्र के लिए विकास की प्राथमिकता रहेगी दवा से लेकर जो मतलब जनता को जो मतलब उचित जो जरूरी होगा उसके लिए हर जगह। मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी इलाके में 7 दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने रात्रि में शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आक्रोशित होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। परिजनों का आरोप था कि युवक 13 नवंबर से लापता था लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था जो पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करता था। आरोप है कि इलाके के एक युवक के साथ मृतक का 12 नवंबर को झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने लापरवाही दिखाई और मृतक का शव एक स्कूल के खाली कमरे में पाया गया। फिलहाल लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर आरोपियों के खिलाफ तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार। आपके साथ बदल रहे हैं हम, बदल रहे हैं आप, तो क्यों ना बदले खबरों का मिजाज। खबरों की दुनिया में नेशन लाइफ का दमदार आगाज हिंदुस्तान की बदलती राजनीति से लेकर बदलते दौर की पूरी खबर, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। राजनीति के तीखे सवालों से लेकर आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हर खबर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से खबरों को आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज को सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। कहीं की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज की बड़ी खबर। जिससे हो आपका सरोकार, हर खबर हर पल, केवल नेशन लाइफ पर।
मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। जब दबने लगे आम आदमी की आवाज, जब ना पहुंचे आपकी आवाज सत्ताधारियों के कानों तक, आपकी समस्याएं जब होने लगे दरकिनार, कानून की अंधी गलियों में जब दम तोड़ने लगे इंसाफ, जब किसी से ना रहे कोई आस, तब हम बनेंगे आपकी आवाज। क्योंकि अब जनता मांगे जवाब, देखिए जनता मांगे जवाब जल्द नेशन लाइव पर। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान।